पुनाना विधानसभा क्षेत्र से नक्शम चौधरी ने भी चुनाव लड़ने के लिए दम भर दिया और बीजेपी से टिकट मांगा है। आर9 टीवी से नक्शम चौधरी ने खास बातचीत की है, सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद न्यूज चैनल आर9 टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश की पुनाना विधानसभा सीट से और मेरे साथ हैं बीजेपी से संभावित प्रत्याशी नक्शम चौधरी। आइए सीधा बात करते हैं इनसे, आखिरकार ये कौन से ऐसे अहम मुद्दे लेकर जनता के बीच में इस बार चुनाव में उतरेंगी। जी नमस्कार, मैं सबसे बड़े जो मेरे एजेंडे रहेंगे मुद्दा इस इलेक्शन को लड़ने के लिए वो है एजुकेशन। शिक्षा से ये इलाका बहुत वंचित है। दूसरा पानी की कमी, नहर और पीने का पानी दोनों की कमी है यहाँ। तीसरा यहाँ पे बेरोजगारी। चौथा यहाँ पे सबसे जो स्मॉल इश्यूज होते हैं सैनिटेशन, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। बहुत एक लंबी फहरिस्त है अगर मुझे इस यहाँ पर चुनाव लड़ना है। ड्राइवर्स लाइसेंस बहुत लंबी फहरिस्त है एक चुनाव लड़ने के मुद्दों के लिए। जी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी के विधायक अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट में है, आप भी दोबारा बीजेपी से आप चुनाव लड़ेंगी, ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं जो आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आप दो से तीन ऐसे अहम मुद्दे बता दीजिए कि जो कि पिछले विधायक जी ने काम ना किया हो। जी क्योंकि मैं कल का नहीं देखती, मुझे नहीं पता पिछले विधायक जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। मैं आने वाला कल की तरफ मौजूद की देख रही हूँ। उसमें मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है एजुकेशन, शिक्षा, एक यूनिवर्सिटी का डिमांड करना। दूसरा बेरोजगारी को हटाना। तीसरा पब्लिक जो इश्यूज हैं, स्मॉल स्मॉल इश्यूज जो हर एक गांव में इस टाइम मौजूद हैं, उनको पर्सनली हैंडल करना। आपको वाकई में लगता है कि आप जो भी मुद्दे लेकर जनता के बीच में उतरेंगी जनता आपको अपना भरपूर सहयोग देगी? मैं जनता का नुमाइंदा हूँ जो आपके सामने खड़ी हूँ, और जहाँ तक समर्थन की बात है जनता मुझे इस बात का बड़ा विश्वास भी है, यकीन भी है कि बड़े खुले तादाद पर मेरा समर्थन देगी और मेरे को एक्सेप्ट भी करेगी और मेरा साथ देगी। तो ये थे हमारे साथ नक्शम चौधरी, जिनको पूर्ण रूप से भरोसा है कि उनकी जनता उनके साथ है और वो 100% यहाँ से अपनी सीट लेकर जीतेंगी। हालांकि चुनाव होने में कुछ ही समय शेष है, ये तो समय ही तय करेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राघव के साथ प्रियंका, आर9 टीवी, गुरुग्राम।